आ जाओ यार जल्दी जल्दी सारे आ जाओ। व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, कैसे हो सबको? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। थैंक यू गाइस, पहले तो आ जाओ सारे, मेरे को बहुत चीजें बोलनी है आप लोगों से, दिल से इतनी बातचीत करनी है मेरे को, आप लोगों को इतना कुछ बताना है। मैं मिस कर रहा था भाई आप लोगों को। 34,000 लोग, 73,000 ले भाई, एक पेटी पर 1,01,111। आ जाओ फिर, ऐसे तुम्हें ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा ना, तुम क्या होगा कि कटा रहे भाई, ये सब होता है, ये सब होता है। शिट, ये क्या क्या बोल रहे हो आप भाई। पहले तो चलो आते रहना, आप 1.5 लाख हो गए भाई, थैंक यू सो मच। मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाह रहा था कि भाई पहला जो वर्ड दिल से जो निकला है ना, शुक्रिया, मतलब शुक्रिया, थैंक यू, ये सब है ना, छोटे वर्ड्स हैं। मैंने जो बाहर आके देखा कि पब्लिक ने कितना, अपनी जो जनता है कितना सपोर्ट किया है, एलविश आर्मी और जितने भी एलविश आर्मी को स्पेशल थैंक्स, और जितने क्रिएटर भाई हमारे साथ खड़े होकर, नहीं तू कर ले लाइव, तू कर ले लाइव, हाथ जोड़ के धन्यवाद उनका भाई। मैंने मीटअप देखा, मैंने ये ना, एक तो अर्चित ना वही खड़ा होता है रील में, मैंने देखा रील वील देखी तो अर्चित यही खड़ा होता है रील में, हाथ जोड़ रहा होता है भाई। मैंने मीटअप देखा, मीटअप पे जितने अपने क्रिएटर भाई आए, जितने भी लोग उस मीटअप में आए भाई, तुमने मेरे को रुला दिया। अभी मैं अपने एविक्शन वाली, मैं अभी एविक्शन वाली अपनी वो देख रहा था, वो कहते हैं ना कि वोट से तो निकाल नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, इस पे आएंगे आराम से। बट भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ यहाँ पे। 2 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, सिस्टम हैंग है भाई, सिस्टम हैंग है, फाड़ दिया तुमने, सिस्टम ही फाड़ दिया। ले भाई, भाई मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, बिग बॉस जो चीज है ना, अंदर एक वर्ड यूज करते थे माइक्रोकॉसम, अब मेरे को ना बाद में पता चला उसका मतलब, पर एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा मुझे। अब बिग थैंक्स, अब मैं एविक्शन एविक्शन वाली चीज़ों पे जा ही नहीं रहा, मैं नेगेटिव सारे निकाल चुका हूँ अपने दिमाग से भाई, मैं सारे नेगेटिव्स निकाल चुका हूँ, मैं बस अब वो चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो मुझे आगे करनी है और जो मैं सीख के आया हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जितने मैंने रिश्ते बनाए वहाँ पर, जितने भाई बनाए और जिनके साथ मैंने हंसी, इतना हंसा उन्हें मैं, शिवानी के साथ, विशाल के साथ, और जो मेमोरीज मैंने वहाँ पर क्रिएट करी हूँ मेरे को जिंदगी भर याद रहेंगी भाई। मैंने भारा की रीलें देखी बंदे, अबे भाई मैं सही लगता था यार मैं सही लगता था भाई, लिटरली नो डाउट अंदर बंदे। और तो तुम सोचते हो ना कि नीरज भाई क्या कह रहे हैं, विनर तो एक ही था, कटारिया कटारिया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच पराग भाई, समथिंग मोर बिग कमिंग। पर यस गाइस, आज एक सरप्राइज मैं आपको देना चाहता था बट बाद में देंगे, एक समझ लो बिग बॉस के लेवल की चीज आने वाली है, रेडी रहो तुम, खींच कर रखो मीटर। अब तुम्हें ऐसे ऐसे सरप्राइज ड्रॉप करते चलेंगे, ऐसे ऐसे सरप्राइज ड्रॉप करते चलेंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा। 2,15,000 लोग देख रहे हैं। विशाल को मैंने बोला था कि आ जाइयो, विशाल पता नहीं आया नहीं आया अभी तक, मैं उसको लाइव पे लेना चाह रहा हूँ, कहाँ रह गया, करियो फोन, करियो उस दौरे, मैं कहा आ जाइयो थोड़ी देर, कर रहा होगा किसी छोरी से बात कर रहा होगा, मजाक कर रहा हूँ, वो सो जाता है, हमारा शूट था आज गाइस, पता नहीं भाई उससे पूछो ना जाके, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आपके पास नंबर है ना उनका, जाके पूछो भाई। तुम बताओ, तुम्हारे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें तुम्हारे भाई की परफॉर्मेंस कैसी लगी, तुम्हारे भाई ने जो एक्सप्रेस किया अपने आप को। देखो मैं ना और ज्यादा, पहले जितना कॉन्फिडेंट नहीं था उतना उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट होके आया हूं। मुन्नी जी आ गए लाइव पर, मुन्नी जी जैसा मैं अंदर था ना, मतलब जैसा मैं अंदर घुसा था उससे अलग ही होके निकला हूं, निखर के निकला हूं, चमक के निकला हूं, ये मुझे पता, खुद से बता रहा हूं भाई। अब मुझे पता है कब कब क्या बोलना है, कब क्या सुनना है, कब क्या भेज रखी है विशाल ने, कहाँ है, एक बार दोबारा भेजो, आ गया आ गया आ गया आ गया, आ जा पानी। मैं उस गेस्ट से मिलवाऊंगा, 2,23,000 लोग देख रहे हैं, क्या करें, दिल का साफ, नीरज भाई लव यू लौंडे, भाई तू तो फुल चमक वमक रहा है यार होटल में। अरे के ग्राम तो चमकते रहे, अपना नुई है, चमकते वमकते रहे हैं और लोगों ने चमकाते रहे हैं, कैसा लगा, कैसा लगा, सुनो एक गेस्ट दिखाऊं तुम्हें, गेस्ट गाइस गेस्ट करो कौन सा गेस्ट है, 3, 2, 1 और द विनर ऑफ बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 3 चुगली खोर इज मुन्नी जी, आइए, ही सो बदतमीज भाई, जितनी चुगली मुन्नी जी ने करी है ना पूरे शो में उतनी किसी ने ना करी, मैं बताने लग रहा हूँ ना भाई, 3 लाख लोग होने वाले, हो जाएंगे क्या विशाल, 3 लाख हो तो जाएंगे, मैं बस कटारिया तू लाइव है इसलिए मैं आया हूँ,
तो मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि फिर मुझे लोग गाली दे रहे हैं कि अभी तक तू लाइव नहीं आया है, तो अब उनको लगेगा कि मैं धोखा कर रहा हूँ। बट मैं ये सिर्फ लाइव पे आके इतना बोलना चाहता हूँ गाइज, आपने मुझे और मेरे भाई को इतना प्यार दिए हो, और इतना ठीक है, बट जो चीज मैटर करती है हम जीत के आ गए हैं, प्यार, दिल, और इज्जत, रिस्पेक्ट। बस वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो गाइज आप लोग कटारिया की लाइव लाइव इंजॉय करो, मैं आप लोग के साथ लाइव आऊंगा कल, और अगर मैं और कटारिया साथ में रहेंगे तो मैं इसको भी लाइव में खींचूंगा, वैनिटी वैन में तो हमेशा हम साथ में रहेंगे। चल डन है भाई, डन है गाइस। और तो सरप्राइज आ रहे हैं विशाल, कल बताएंगे ना, अभी ना बता रहे। ठीक है अच्छा चल, तू ठीक, रेस्ट करो, टाइम पा जियो कल 8:30। बाय लेट विशाल, लेट मत सी यू करियो। टुमारो, बाय बाय मुन्नू। दीपक सर का मैसेज आया, कॉल कर रहा हूँ दीपक सर, मैं अभी कहीं पे था, मैंने आपका कॉल देख लिया था, बट आई विल कॉल यू। नीरज बोल रहे जोड़ी नंबर वन, क्या बात है। नीरज भाई, तुम्हें तो हमने भाई बीच बीच में ना इतना मिस किया। मैं और वो लट वाले पॉइंट को ले गए, अरे ई का है उस पॉइंट में, हम बाद में भी इतना हंसे है ना, लट की आदत नहीं गई भाई। उसने आखिरी तक एक एप्पल छुपा रखा था, एक सेब होता है ना, वो कह रही दीपक भाई हाँ मेरे सपने में आए और वो सेब छुपा के चले गए, कहीं वो सेब अब भी तो नहीं है ड्रॉर में। हमने देखा वही था, मुका कितनी तेज लड़की है यार। दिल्ली यूट्यूबर, यू डिड ग्रेट जॉब भाई। ये लवरुद्राक्ष भाई मेरे उस टाइम पे थे जब मैंने लाइक वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो बिग शाउट आउट टू डेली यूट्यूबर लवरुद्राक्ष भाई को। क्या बात है। तो गाइज आप, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मेरे को इसके पास सुबह पहुंचना है, और मैं सिर्फ इसके लाइव में आया था गाइज, बट प्लीज निराश मत होना, मैं कल लाइव आऊंगा और बहुत सारी बातचीत करेंगे, और हम चल ठीक बहुत है विशाल, है ना, चलो बहुत सारे चलो क्वेश्चन अपना करेंगे। अपना, चलो चलो चल ठीक बस है हो गया, अपना बस हो अपना गया, चलो चलो बस अपना बस बस अपना 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 विशाल, अपना 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 शाबाश, चलो अपना अपना आई मुझे लव के लिए कुछ बोलना है। ही जी। हैज बीन द मोस्ट बहुत ऑनेस्ट अमेजिंग प्लेयर एंड विनर, जैसे मतलब आई थिंक दुनिया के लिए आप और विशाल तो विनर ही हैं, एंड जैसे आपने कहा ट्रॉफी छोड़ो, आपने सबका दिल जीत लिया, नेशनल आइकॉन एंड नेशनल आई वुड से, मैं एक चीज, मतलब क्या बोलूं। नहीं, वो तो आप बहुत बड़ी चीजें बोल रहे हो, मैं अपने आप को इतना बड़ा भी मानता नहीं हूँ। नहीं लाइफ में कभी बट और मैं बड़ी और चीजें करेंगे तो चलो ठीक है, मैंने अपने आप को दिखाया कि मैं क्या हूँ भाई एज अ पर्सनैलिटी। एंड लवतेज कटारिया कौन है आपने देख लिया, मुझे जो मुझे सही कॉन्फिडेंस लगा मैंने बोला था ठीक है ना, जो मुझे गलत लगा मैंने बोला कि भाई ये है लवतेज कटारिया, मैंने अपने आप को रख दिया आप लोगों के सामने यूं कहीं। अगर आपने शो पूरी तरह से फॉलो किया तो आपने देखा होगा वो शिकार की शिकार में, मैंने लव के लिए बोला था कि मुझे कॉन्फिडेंस है इस बंदे के ऊपर कि बहुत आगे जाएगा और ये शो में कमाल कर दिखाएगा, इसलिए किसी भी परिस्थिति में ये नॉमिनेट नहीं हो सकता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू मुन्नी जी। अब लव मैं भाई से बात कर लूं, मुन्नी जी करी अच्छा मैं चली जाऊं क्या? ओ मुन्नी जी नहीं यार, गाइस इतनी बात करनी थी। बाकी मेजर अपडेट मैं एक चीज दे रहा हूँ कि कल से व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे डेली व्लॉग्स अपने, तो कल का व्लॉग आ रहा है 10 AM ऑन चैनल, अब मेरा जो चैनल है लव कटारिया। अंदर की बातें मैं जो बोलने वाला था, देखो यार सिंपल सी बात है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, समझ रहे हो ना, तो व्लॉग में बताएंगे व्लॉग बाकी आगे। 10 बजे व्लॉग चेक करना, व्लॉग चेक करना मजा आ जाएगा, पागल हो जाओगे देख के। अरे ये कटारे भाई ये क्या कह रहे हो तुम समझ रहे हो। बाकी यार मैं तो लिटरली में है ना, मैंने कभी लिटरली में जिंदगी में ऐसा फील नहीं किया कि जितना प्यार मेरे को अभी मिल रहा है ना, कि मैं जब एविक्ट हो रहा था ना पब्लिक ने आज वो एपिसोड देखा होगा, अब मेरी बात सुनो, मेरे को वहां पे इतना रोना आ रहा था, मैं टूट गया था भाई, वो ट्रॉफी वहां रखी थी और मुझे मैं छू नहीं पाया उसको, और वहां से मैं निकला, मेरे आंसू आए, मैंने ऊपर देखा अंदर वो सांस लेके पीना नहीं होता, वो अंदर ही अंदर रह गए। मैं कहा जब कोई अपना जो यार दोस्त घर परिवार से मैं बात करूंगा ना, जब जब ही निकालूंगा, तो फिर मैंने मम्मी को बाहर आते जो ड्राइवर भैया होटल लेके आते हैं, हाँ उन उनसे उनका फोन लेके उन मम्मी को फोन किया, और फिर मैं रुका ही नहीं 5 मिनट तक, वो निकल गया सारा वो अंदर की था मम्मी पर। मम्मी वो सो प्राउड, मेरे घर वाले कह रहे कि कोई टेंशन ना है, तुम बेस्ट हो, कोई दिक्कत ना, हमारे लिए विनर हो। सब प्राउड है, और भाईयर ने जितना काम करा भाई बिग शाउट आउट, कोई दिक्कत ना, और भाईयर के काम को मजा आ गया देख के, आगे भी करेंगे सभी। मतलब जितने भी भाइयों ने एक एक बंदे ने वोट किया है, अपने जितने क्रिएटर वाले हैं जिन्होंने स्टोरी डाली भाई के लिए कि सपोर्ट करो, जितने भी है, मैं अब नाम लेने आऊं तो शायद खत्म ही नहीं होंगे। होर्डिंग्स लगवाए, वो बहुत सारी चीजें, और एक चीज होर्डिंग्स गाड़ियों के पीछे स्टिकर, अपना एक चीज और है, कई बंदों ने ना मतलब प्रीमियम के लिए भी पैसे बांटे लोगों को, तो भाई वो भाई थैंक यू सो मच भाई, अपने ट्विटर पे जितने ट्विटर टीम पंडित जी, अपने जितने भी फैन क्लब्स, फैन आर्मीज, जितने भी अपने अकाउंट में, समझ गया ना एक एक का नाम नहीं ले पा रहा, सबको दिल से भाई, दिल से
शुक्रिया आप लोग, बहुत 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 मेहनत करी है तुम लोगों ने यार अपने भाई को। सारे जीत के काम, एक तरफा खींच रखा था मामला, लिटरली बता रहा हूँ। अब वो वाली लाइन एलविशन जो ट्वीट डाला था ना कि पब्लिक वोट से तो निकाल नहीं पाए, अब समझ गए ना मैं, एक तरफा मामला खींच रखा था, पर कोई दिक्कत ना, जो हम करने गए थे वहां वो करके भाई। बाकी कल ब्लॉग देखना 10 बजे। थैंक यू सो मच, मेरे को लाइव आके आपसे बात करनी थी। क्या कहते हैं कि एक बार बिग बॉस से निकल के एक बार लाइव जाएंगे, और आज हमने रिकॉर्ड भी तोड़े, 270-280 पार गई थी लाइव, मेरे लिए मेरी ये वो थी। करण सहगल तू ही विनर था, आई नो ब्रो, करण भाई से मिलेंगे आके, मिलता हूँ अपने HR26 गैंग को भी, बिग शाउट आउट भाई, मैंने मीटअप देखा था, सब आए थे। बाकी भाई जय श्री राम, जय श्री राम, राम का नाम लो, अपना भगवान को याद करते रहो, और अपना दिल में जो बात है ना कहो लोगों से, एक्सप्रेस करो, बी एक्सप्रेसिव गाइस। कभी अपने भाई से, अपनी दीदी से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से कुछ भी बात कहना चाहते हो कहो यार, मैंने वहां जाके चीज तो सीखी है। कभी दिल की बात हम कर नहीं पाते, कभी कभी फैमिली वालों से, पर करो, बहुत चीजें सिखाई है मुझे, मजा आया, जर्नी एक नंबर, और तुम्हारा प्यार देख के तो मुझे, लव यू गाइस, मिलते हैं, गुड नाइट, सो जाओ अब।